और चप्पल पहन के जा रहे वसीम। अपना ये खंबे की लाइन जैसे घूमी है अमित भाई। अच्छा अपनी लाइन है, ये लाइन अपनी है। नहीं रहन रहन बन जाएगी। अरे बन कर रही है। मैं को मोबाइल लाइन को बोल दिया खंबे पे। खंबे सही सलामत है, निकल ले कुंगू ला। ये ले आराम ले आते ले बन ले आओ इस वीडियो बनाओ। लो तो यहाँ पे लिम का यार गिर गया तो मिट्टू के बच्चे निकाल रहा है वसीम भाई और बाबा भाई और मुसाइद भाई। इधर सापिन भाई भी है और टिंगू भाई है जो कि वसीम लाला हाथ डाल रहा है। अरे नहीं जाएगा अरे मेरा हाथ चले जा रहा है वसीम भाई। तुम जो कि हमने एक मिट्टू तो निकाल लिया, एक मिट्टू का बच्चा जो के बताओ फिर मैं चौकट फाड़ू। हनी भाई आ रहा ना उससे वही कटवा लूंगा मशीन में कर रहा। ले पापा पकड़ तो यार का माजी माजी किसके। मैंने बुलाया रुक जा तब जरा लकड़ी डाल के देखने दे। देख मैं मिट्ठू की आवाज करूंगा नहीं तो देख कैसा करेगा। अब बहुत सारे दो तीन है दो है दो तीन है से बोल। अरे छह सात तेरे तेरे हर बार मैं निकाल लूंगा वसीम भाई आराम से आराम से वसीम आराम से हाथ आ रहा है हाथ फंस जाएगा। अरे हाथ फंस जाएगा यार वसीम भाई है निकाल लिया कोई आदत है कानों में भाई जो कि वसीम भाई ने आराम से जरा एक और निकल चुका छोड़ जरा उनको जरा तो दम ले और एक और। अरे रुकना तो मैं अरे जरा उसके वीडियो बना। अरे रुक रहे बहुत अंदर हो भाई तेरा ये भले वीडियो बना भाई ने तो गली जैसे कि मिट्टू को निकाल चुका वसीम भाई ने। वीडियो बन रही है तो बता सही है आराम से वसीम भाई हाथ नहीं फंस जाए तो ले आ जाए ना तुम्हारी तार ला तार तार है ना मैं कह रहा था मैं डालू हाथ धीरे आवे धीरे तो ये जो गिर चुका है बारिश में ये मिट्टू वन बेचारे जो के गिर गया यहाँ से हम हर थाल निकालते थे उड़ाते थे अब देखते क्या है आ गया। हाँ धीरे धीरे आराम से बाबा ये आखिरी था रुक 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 जा ये मेरा हाथ में बता एक और रुक जाएगा ना जरा एक निकाल गया यार उसे पकड़ के रख लो मुझे ले वीडियो बना ले मेरी बना। हाँ ले लिया डिंगू अरे कुलाली ला रे नहीं नहीं बोलिया हाकिम भाई हाँ हाँ और कुना ला रे ले मुसाइद अभी तो रहा कर रे जान दे और कहीं का उमलेगा नहीं अभी तो कुलाली किसकी थी आखिरी है आ गया आहो ये बाबा भाई ने बोल लिया दोस्तों धीरे से बाबा बाबा आ रहा और देख बाबा ये थोड़ा छोटा है एक और अरे मैं बोल लिया जा रहा तुम चलने ही नहीं देते जा रहे उनको लेके जा ले अरे चुप बैठ रहे जा और पर तू और देख और देख चुप अब नहीं है अरे जा रहा तो हट जा मरेंगे नहीं तो ऐसे भी चल अरे ले लेना मोबाइल कहीं का नहीं तो और उमल जाएगा। ये बड़ी नीचे है भाई ये ना भी खनान भाई नहीं है जरा आवाज तो ये इधर घुस का देख एक दर ऐसा है तो डालना उधर पे हाथ डालना है दिया मैंने कहीं नहीं है बस इधर है रुक जा मैं तो उसमें अटके लो चल जा चल जा चल
ये सबसे छोटे वाला जो के हमने सब निकाल लिए दोस्तों। ये बाबा भाई काफी मेहनत कर रहा है। ये मुसाइफ भाई इधर, ये झाड़ जो का पुराना था, 100 साल पुराना झाड़ था। तो दोस्तों हमने काफी मेहनत से निकाल लिए, इनकी जान बचा ली है। ये देखो ये काट रहा है फिर आ गया। दार इधर रहेगा, कितने निकले? 5 निकले ना। एक दार ये इधर रहेगा दोस्तों। ये काफी उन्नत दार है इधर सुरंग। मेरा पूरी यहाँ तक के चले जा रहा। फिर तू तो डाल ही नहीं रहा था मैंने। रुक रे रुक। नहीं हो पूरा हाथ छिला गया। हाँ ले बाबा ले। वो रुक नहीं रहा यार। 5 अरे नहीं है, पूरा हाथ छिला गया बाबा। 2 महीने ही बोल रहा था। अरे मैंने क्या 5 तो देखना पढ़ने साले पार पकड़ के खींच रहता है। नहीं रे सही देख, उसके आँख पे लगे लगे आँख आए लगे धीरे धीरे। दीदा उनको अपन जंगली रखेंगे, उड़ा देंगे उनको। बड़े करे तो उसका कर दे। यार छोड़ तो पालेगा। अरे मेरे को मालूम था हर बार। पहले जो के आप देख रहे होंगे ये आँख पे लगे लेके क्या ये पबजी भैया जो कुछ तो मेरे पे गंदगी भी कर दिया इन्हें। काफी तेज नाखून है। जाओ ना देखो ना इनको रख के। ये काफी तेज नाखून है। वो बोलता बोले बाबा वो रंजिल फावड़े को लिया कौन निकालने दे रिया मिट्टू तो ये मैं बाजार में कुछ काम से गया था तो मेरे कने फोन आया मेरे भाई का जो कि बाबा भाई आया था सुबह। तो बोले झाड़ गिर गया तो मैंने उसको बोला था कि देखना मिट्टू है। फिर मेरे भाई का फोन आया तो मैंने उसको बोला तो उनने देखा तो मिट्टू निकला। एक निकाला था बोले एक ही जो। फिर मैं आया वहाँ पे तो मैंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी मशक्कत करी है। देखो दोस्तों हाथों पे काफ़ी घिसड़े लग गए। तो 5 मिट्टू के बच्चे निकाला दोस्तों मैंने और बाबा भाई ने हमने निकाले। जो कि नहीं निकालते तो वो ऐसे भी मर जाते, वो भूखा भूख मर जाते। अभी उनको हम आज़ाद कर देंगे जो कि हमने अगली बार भी करे थे। और एक बार के दूसरे ने निकाल लिए थे तो उनने बिल्ली कुत्तों को खिला दिया। झाड़ पूरा टूट गया जो कि बारिश के कारण 100 साल पुराना झाड़ था। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वो सामने झाड़ दिख रहा होगा वो काफ़ी ऊपर, आपने मेरी कबूतर वाली वीडियो में भी देखे होंगे। वो झाड़ सामने था जो कि वो टूट गया, गिर गया बारिश के कारण। वो सामने आपको झाड़ दिख रहा होगा, वो झाड़ में से निकाले हमने मिट्टू के बच्चे जो कि उसके माँ बाप उड़ भी रहे, कहीं बड़े रहते तो हम छोड़ देते। अभी इधर वो झाड़ पर बादाम के झाड़ पे जाके बैठे, वो सामने बादाम का झाड़ है वहाँ पे बैठे जाके उसके माँ बाप। इसके माँ बाप आपने देखे होंगे। अब भी मैंने कैमरा जेब में रख लिया था, मोबाइल ने तो आपको बतलाता है। यहाँ का नेचर काफ़ी मस्त आ रहा है। ये इधर का पीछे घर के पीछे का जो कि इसके माँ बाप मिट्टू उनके 5 मिट्टू के बच्चे जो कि 3 बड़े 2 काफ़ी छोटे, अब उनको हम बड़े करेंगे हाथ से हैंड फिट करवा के। मेरे को मालूम था मिट्टू के बच्चे निकलेंगे इसलिए मैंने बोल दिया था। बाबा भैया आए थे मेरे कहने बोले झाड़ गिर गया तो मैंने किया था कि मिट्टू के बच्चे होंगे उसमें। आके बाजार गया था, ये अब मेरी हालत देख सकते हो जो कि मिट्टू के बच्चे निकालने में हो गई है ख़राब। दोस्तों अभी नहाना पड़ेगा मेरे को, ये गंदगी भी कर दिए मिट्टू के बच्चों ने जो कि बीट कर दिए। ये देखो दोस्तों काफ़ी भंडा चुका हूँ मैं।
दोस्तों ये वीडियो मेरे भाई के मोबाइल से बने ले, जब मैं यहाँ पे था नहीं, मैं बाजार में था, मेरे को बाबा जंगल में घूमते हुए बाबा भाई इन्होंने एक मिट्टू निकाल लिया था, आवेश मेरे भाई और बाबा भाई ने एक मिट्टू निकाल लिया था, मुसाइद भाई इन्होंने देख रहा होंगे या आवेश भाई मिट्टू पकड़ के ला रहा हाथ में, जो कि ये वीडियो है आवेश भाई के हाथ में मिट्टू जो कि बड़े वाला था, इसको फिर घर रख दिया था, जब तक दोस्तों के रखते हम इनको आजाद कर देंगे, ये दोस्तों ये बाबा भाई जब निकालता हुआ झाड़ को काट रहे थे, खेत छोटा था जो के झाड़ का, ये बाबा भाई काट रहे थे इसको, ये मुसाइद भाई भी सामने आपको दिख रहे होंगे, और इसमें क्वालिटी थोड़ी कम आएगी इसके लिए, क्योंकि ये मेरा मोबाइल नहीं था, ये छोटे मोबाइल से थोड़े वीडियो बने ले इसमें, चौड़ा कर उसको, ये झाड़ काफी पुराना था दोस्तों, और ये झाड़ गिरने के कारण काफी सारे पक्षियों के कौओ के काफी सारे घर टूट चुके हैं, ये झाड़ गिरने के कारण दोस्तों, अभी कौओ के क्योंकि अंडे बच्चे नहीं है, नहीं तो उनके भी काफी सारे बच्चे गिरते बेचारों के मर जाते, वो तो खुले में ही रहते, ये अंदर थे तो बच गए दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो बाबा भाई जाते हुए मिट्टू के बच्चे, उनको रेस्क्यू करने जाते हुए जाना, तो वो मिट्टू के बच्चे बेचारे दब चुके। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर करना आराम से, और मिलते हैं दोस्तों और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और दोस्तों इनके हर दिन के अपडेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो कि पूरा सड़ चुका था, ये जड़ों के अंदर से है, इसमें पानी जा जाके लगता सड़ गया था, जो कि ये कॉलोनी की तरफ गिरा कुएं के ऊपर, अच्छा हुआ उधर साइड में घर भी था, ऊपर वाले का शुक्र है कि घर पे नहीं गिरा, ये तो काफी सारा नुकसान हो जाता, ये कुएं के इधर गिरा जो कि काफी सारे पक्षी उनके बेचारों के घर टूटे घोंसले टूटे, और अब पता नहीं कई के पक्षियों की जान भी गई होगी, जो कि हमारे को मिट्टू उनका घर दिखा था, हमारे को मालूम था तो हमने निकाल लिया, उनकी जान बचा ली। तो दोस्तों इनकी अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इनकी ग्रोथ देखने के लिए बड़े होते हैं, इनको हम आजाद करेंगे, उसकी वीडियो भी डालेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।